लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई एयरपोर्ट को दीबा पाटिल का नाम दिलाने आयोजित मानवीय श्रृंखला आंदोलन ऐतिहासिक रहा। आंदोलन में उरण पनवेल से लेकर नवी मुंबई के दीघा हाईवे तक हजारों प्रकल्पग्रस्त हाथों में बैनर थामे खड़े नजर आए। बारिश के बीच दीबा की जय घोष और एयरपोर्ट पर उनका ही नाम देने की एक ही मांग गूंजती रही। आज इस ऐतिहासिक आंदोलन की सफलता को लेकर पूर्व सांसद रामशेठ ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 60,000 प्रकल्पग्रस्तों के शामिल होने की जानकारी देते हुए उनका आभार जताया। उन्होंने नामांतर की मांग पर जोर देते हुए कहा कि जब तक एयरपोर्ट पर दीबा पाटिल का नाम नहीं दिया जाता, प्रकल्पग्रस्त चुप नहीं बैठेंगे। इस अवसर पर दशरथ भगत समेत कई बड़े नेता भी मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नामांतर को लेकर चल रहे आंदोलन ने नया इतिहास रच दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब सिडको और सरकार के फैसले के खिलाफ 60,000 प्रकल्पग्रस्त सड़क पर उतरे और एक सुर में दीबा पाटिल के नाम का जयघोष किया और उद्धव सरकार को जगाने की कोशिश की। आज बीजेपी नेता पूर्व सांसद रामशेठ ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीबा पाटिल के प्रति प्रकल्पग्रस्तों के इस जज्बे को सलाम किया। इस अवसर पर विधायक प्रशांत ठाकुर, वरिष्ठ नेता दशरथ भगत, रिपाई नेता जगदीश गायकवाड़ समेत समन्वय समिति के कई नेता मौजूद थे। बीजेपी नेता रामशेठ ठाकुर ने कहा कि नवी मुंबई दीबा पाटिल की जन्मभूमि है। उन्होंने प्रकल्पग्रस्तों के लिए अपना खून पसीना बहाया और न्याय दिलाया है, इसलिए प्रकल्पग्रस्त अपने मसीहा का नाम नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देखना चाहते हैं। इसके सिवा उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। राम से ठाकुर ने और क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं। आम्ही राजकारणातून तो निघाल जाणार आहोत। दीबा पाटील जे महाविकास आघाडीचे खासदार कुठल्या पक्षाचे सेनेचे सरकारचे काँग्रेसचे राजकोण बोलतात कुठल्या पक्षाचे बोलतात राष्ट्रवादी शिवसेना बोलतात ना, त्यांनी आतापर्यंत दीबा पाटीलांची नावाची संघटना घेऊन तिथून अध्यक्ष झाले। महाविकास आणि दीबा दिवंगत नेते लोकनेते दीबा पाटील संघटना हे नाव का दिलं, त्या संघटनेला नाव त्यांनी ते दिलेलं आहे दीबा पाटलांचं, त्यांचे प्यारे आवडते म्हणून ना त्यांनी व्यक्तीचा आधार करावं आम्ही मागवं। आम्ही राजकारण करतो ना, आम्ही ना राजकारण नाव आणावं, त्यांनी दीबापाटलांचं नाव आणावं आम्ही मागवतो। आज त्यांनी अध्यक्ष व्हावं, उपाध्यक्ष व्हावं, चिटणीस व्हावं, आम्ही आपले कार्यकारी सदस्य बाहेर जाणार, आमची धैर्य कार्यकारी सदस्य व्हावं। म्हणजे इथं भावना जर तुमची व्यवस्था असेल तर दीबा पाटलांचं नाव येतं, आणि दीबा पाटलांचे नाव येतं तिरपूर नाव असेल त्या घरामध्ये आल्यानंतर तू बांधलेल्या घराला दुसऱ्या कोणाचं चाचा मामा जे तुम्हाला आला असेल बाहेरचा तर त्याचं नाव दिलं तुला बरं वाटेल का? तसं आम्हाला आहे का हे घर आमचं आहे, रणबीर आमचं आहे, रणवीर मंडळ काही बाकीचं आमचं आहे आणि आज हे आपला पूर्ण भाषांचं आहे, म्हणून इथं आपल्या लोकांचं तर चांगला मानचं आहे तर तुम्हाला परिणाम केवळ आग्री नव्हे तर या ठिकाणी आग्री कोळी कराडी आणि मागासवर्गीय कासडी सर्व समाज आज या ठिकाणी ओबीसी संघटना या ठिकाणी उतरलेली आहे आणि त्यांना एकच संदेश देईन की कुठल्या प्रकारे जोपर्यंत आमच्या मध्यवर्ती कार्यालयातून
जे जे कार्यक्रम होते तेच तेच करावे, कोणत्या प्रकारे राष्ट्रीय संपत्ती नुकसान न करताना शांततेने आणि आंदोलन करावं आणि याच भावनेने आम्ही त्या ठिकाणी सरकारला जो काही परवा घेराव टाकण्याचा प्रयत्न करतो त्यामध्ये भूमिका आहे की या ठिकाणी लोकांच्या लोकभावना काय आहे किती जागृत झालेलं आहे याचं ते ज्वलंत उदाहरण असेल। गौरतलब है कि साखली आंदोलन में हजारों की संख्या में शामिल होकर भूमिपुत्रों ने यह दिखा दिया कि वे अपने हक और अधिकार के लिए एकजुट हो गए हैं और अपने मसीहा को सम्मान दिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। प्रकल्पग्रस्तों ने एयरपोर्ट निर्माण स्थल पर जिस तरह दीबा पाटिल का नाम लिखा और मानव श्रृंखला बनाई वह इसका सबूत देता है। माना जा रहा है कि जिस तरह प्रकल्पग्रस्तों के आंदोलन को बीजेपी नेताओं और सैकड़ों संगठनों का समर्थन मिल रहा है उससे मांग को मजबूती और आंदोलन को और आक्रामक बनाने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।